21 खबर सबसे पहले। रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखते हैं कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग इससे आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धार्मिक यात्रा में अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हनुमान गढ़ी पर दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार आते ही किसानों को लेकर बने विधेयक समाप्त कर देगी। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा, हाथरस में पूरी तरह से यूपी सरकार विफल रही। बलात्कार, हिंसा, उपचार में सहयोग न मिलना और उसके बाद हिंदू धर्म के विपरीत दाह संस्कार करना, उसके बाद आचरण, कल बलपूर्वक परिवार को कमरे में बंद कर देना, ये सब करके आखिर सरकार क्या चुकाना चाहती है। उन्होंने कहा, यूपी में महिला आयोग सूचना आयोग का गठन 2 महीने से नहीं हुआ, सरकार जवाबदेही से बच रही है। उन्होंने कहा, बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। यूपी सरकार हर मोर्चे पर असफल है। उन्होंने कहा, जिस दिन यूपी में चुनाव होगा निश्चित रूप से योगी सरकार का ऐतिहासिक पतन होगा। उन्होंने कहा, प्रियंका जी के नेतृत्व में ऐसे सरकार का गठन होगा जो किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों और सभी धर्मों को लेकर चलेंगी। उन्होंने कहा, किसानों के विरोध में जो विधायक आए हैं ये किसानों की जमीन को गिरवी रखने के लिए हैं। उन्होंने कहा, इनकी उपज का लाभ अडानी और अंबानी की तिजोरी भरने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए रखने का वादा नहीं है। कांग्रेस जिस दिन आएगी 24 घंटे के अंदर कानून को बदल देंगे और खत्म कर देंगे। हाथरस एक पीड़ित का आंसू अगर विपक्ष नहीं पोछेगा तो और क्या करेगा, संवेदना नहीं व्यक्त करेगा तो और क्या करेगा। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब कभी कांग्रेस सरकार में घटना होती तो भाजपा विपक्ष में रहती थी तो स्मृति जी ईरानी जी अगर अपनी चूड़ियां भेज देती तो कहां है उनकी चूड़ियां। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के सांसद गण कह रहे हैं। हंस जी ने कहा, उमा भारती जी ने कहा कि रात में जो उसका संस्कार हुआ है वो बहुत ही अनुचित, गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बेटी के साथ अन्याय है। आपने चुनाव की बात की, जो चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन इस वर्ष तो लगातार जो तैयारियों को दौरा, लेकिन जो इस पे आने वाला चुनाव है उसमें ब्राह्मणवाद दिखाई दे रहा है। देखिये, हम सब जात, सब धर्म, सबको लेकर चलते हैं। इतना ही कह सकता हूँ, किसी की उपेक्षा नहीं होगी।